आप लोगों ने स्नेल्स को तो देखा ही होगा, जो कि खासकर बारिश के दिनों में आसानी से दिख जाते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं के लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। इस जीवन चक्र में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका मिलन दूसरे जानवरों की तरह नहीं होता, बल्कि उनसे काफी अलग होता है। इनके मिलन के अंग इनके सिर के साइड में होता है और इसे वो मिलन से पहले सक्रिय करते हैं और सक्रिय करने के बाद ये एक दूसरे के मिलन के अंग को ढूंढते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके। लेकिन ऐसा करने में उनको काफी टाइम लग जाता है क्योंकि उनकी आंखें जो फिलर्स में मौजूद होती है वो बहुत कमजोर होती है। उसके बाद जैसे ही उनको एक दूसरे का मिलन अंग मिल जाता है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी ये मिलन की प्रक्रिया 8 से 10 घंटे तक चलता रहता है। मिलन की प्रक्रिया खत्म होने के 7 से 10 दिनों बाद मादा अंडे देती है। एक बारी में मादा लगभग 30 से 400 अंडे देती है, जो कि उनके अलग अलग प्रजातियों पे निर्भर करता है। अंडे देने के बाद मादा वहाँ से चली जाती है। फिर 10 से 15 दिनों के बाद बच्चे अंडे से बाहर आते हैं। ये कितने छोटे और प्यारे लग रहे हैं, है ना? उसके बाद ये छोटे छोटे स्नेल्स अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये स्नेल्स 6 हफ्ते से 5 साल के बीच पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और ये भी उनके अलग अलग प्रजाति पे निर्भर करता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में स्नेल्स के लगभग 43,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बाद आप कौन से प्राणी के जीवन चक्र के बारे में जानना और देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।